गाइस, दिस चिराग गुलाटी एंड वेलकम बैक टू द फ्रेश एपिसोड ऑफ मैडनेस के चमचे। तो गाइस, आपने हमारा थंबनेल देख ही लिया होगा जो कि था डॉग के ऊपर। यस, जो डॉग है वो इस कैफे का ऑनर है जिसका नाम है वूफ। और ये जो वूफ कैफे है, यहाँ पे ये कैफे में सब अपने डॉग्स को लेके आते हैं, जहाँ पे आपको डॉग्स के लिए एक फन जोन मिलता है, प्ले जोन मिलता है, उनके सारे खिलौने यहाँ पे देख अपने पेट्स, अपने डॉग्स का, नॉट पेट्स ओनली डॉग्स, उनके लिए आप बर्थडे सेलिब्रेशन कर सकते हैं एंड बहुत कुछ। बहुत ही शानदार कैफे गाइस। तो मैं भी अपने एक पेट को लेकर आया हूँ जिसको मैं स्वागत करना चाहूँगा, आइए। तो ये है मेरी बहन इशिका और ये आई है दिल्ली से। तो मैं इसका स्वागत करना चाहूँगा हमारे वीडियो पे। हेलो, हाय। तो चलो चलते हैं कैफे को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं अंदर डॉग्स का पूरा माहौल। तो ये है यहाँ की एंट्रेंस एंड ये है वूफ कैफे। तो एंटर करते हैं अंदर, लेट्स गो। दे रहा हूँ। सो गाइस, अभी हम लोग ये है वूफ कैफे के अंदर और हमारे साथ है यहाँ के ओनर मिस्टर वूफ, जिसको मैंने संभाल के रखा है इसके वजह से, नहीं तो ये भाग जाएंगे। गुड बॉय। तो आप लोगों को देख के हैरानी हो रही, ये ओनर है यहाँ के, सच में ये ओनर है। एंड ये वूफ कैफे है मीरा रोड में, फर्स्ट कॉन्सेप्ट है जो, जहाँ पे अपने डॉग्स को ला सकते हो। और ये यहाँ का प्ले एरिया है और यहाँ पे सर, इनसे मेरी बात हुई थी। सर आपका नाम बता दीजिए। अनुज वरियावा। अनुज वरियावा। सो लाइक थैंक यू सो मच, आपने यहाँ पे हम लोग आने का मौका दिया और इतने अच्छे कंसेप्ट आप मीरा रोड में लेकर आए। और कुछ आप यहाँ पे पहले कैफे के बारे में बताइए कि आपने इस कैफे का नाम वूफ क्यों रखा। ये कैफे का नाम वूफ इसलिए रखा है क्योंकि मेजरली ये कैफे है डॉग्स के लिए। इस ये कंपनी का एक्चुअल नाम है कैस्पर एंड कंपनी। The company is Castor and Company and it's name on my nearly dearly dog Castor. तो उसके नाम पे ही मैंने ये बिजनेस रखा है, तो इसलिए वो ओनर है यहाँ के। और मैंने वूफ इसलिए, ब्रांड का नेम वूफ इसलिए रखा है क्योंकि ये सिर्फ एक प्रेजेंटली आई हैव ओनली कवर द डॉग कमिंग इन, क्योंकि दो ही पेट्स हैं जिसको हम लोग बाहर लेके जा सकते हैं मेजरली। दो मेजर इज डॉग एंड अदर इज कैट, लेकिन कैट को लोग बहुत कम लेके जाते हैं, इसलिए डॉग्स एंड कैट्स कैन नॉट बी टूगेदर। सो आई एम स्टार्टिंग विद डॉग्स, so I have named it as wolf. Wolf is a language of the dog. Yes. Wolf is a language of the dog. So where, Casper, quiet. Okay. So wolf is a language of the dog, where whatever communication they do it with this wolf. So we call it as a language. So that's the reason calling them wolf is what I have named as brand name. तो जितने भी मीरा रोड के लोग मुझे देख रहे हैं, जिनके पास भी डॉग्स है स्पेशली, सो दे कैन कम हियर, वो अपने डॉग्स के लिए कुछ नया कर सकते हैं, वो यहाँ पे आके अपने डॉग्स का बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं, राइट। एंड यहाँ पे स्पेशली मैंने एक चीज़ सुनी कि यहाँ पे डॉग्स के लिए भी पिज़्ज़ा मिलता है, व्हाट इज़ दैट? दैट्स द कैची पार्ट। हम लोग जो डॉग्स को घर पे खाना खिलाते हैं वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, हम लोग वही राइस या फिर उन लोग का पेटेंट फूड रहता है वही देते हैं। सो नाउ वॉट वी आर डूइंग हियर इज़ वी आर ट्राइंग टू गिव देम समथिंग विच इज़ विच दे डू नॉट गेट एट होम। सो एक पिज़्ज़ा एक कॉन्सेप्ट हमने निकाला है विच इज़ ज़ीरो मैदा, ज़ीरो शुगर, ज़ीरो सॉल्ट, नथिंग, इट इज़ कम्प्लीटली पैट फ्रेंडली फूड पिज़्ज़ा बनाया है जो दो साइज में आता है, एक मीडियम एक स्मॉल साइज है एंड वन इज़ लार्ज साइज फॉर द लार्जर डॉग एंड स्मॉल इज़ फॉर द स्मॉलर डॉग्स। Okay, and I'm very excited to Casper to taste that food. Jo sure. Khayega. I want to know, dogs bhi khate hain especially? Absolutely, and bahut acche se khate hain. They love this food to eat. I mean, uske andar un log ka favorite chicken rehta hai. Veg chahiye to veg bhi ban jata hai. To, lekin wo jo base rehta hai, wo itna hum log ne friendly banaya hai, to wo koi bhi pet aaram se kha lega. आराम से खा लेता है। सो विदाउट एनी थॉट द फर्स्ट डे व्हेन वी सर्व्ड इट टू कैस्पर, उसने एक दाना नहीं छोड़ा था वो प्लेट में, एंड आई विल शो यू इन सम टाइम। एंड इवन आई सॉ वन थिंग कि जैसे हम लोग तो कैस्पर वाज वेटिंग फॉर पीपल टू कम इनसाइड एंड यस लाइक ऐसे वो जंप कर रहा था, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी नाउ। आई मीन द डे व्हेन ही हैज स्टार्टेड कमिंग इन, यहां पे आ रहा है वो जिस दिन से, उस दिन से उसको पता चल गया कि ये जगह पे लोग अलग अलग लोग आते हैं, अलग अलग डॉग्स आते हैं यहाँ पे। सो उसको अभी हर रोज़ खेलने के बाद वो एक चीज़ दरवाजे पे जाके बैठा रहता है और राह देखते रहता है अब कौन नया आएगा एंड हु विल बी द न्यू टुडे टू आई विल बी एबल टू मीट।
ऐसे तो वो ग्रीट करने के लिए, हमें तो ऐसा लगता है वो ग्रीट करने के लिए रहता है कि आओ आई एम ग्रीटिंग यू. दिस साउंड्स सो इंटरेस्टिंग. So let's come upon the overall review of the cafe. So this is the play area of the cafe, right? Yes. So can you show me something as people can have a look? So you saw the play area. Yes. This is the sitting area for people to come and वो लोग आराम से बैठ के अपना food enjoy कर सकते हैं. यहीं पे बहुत सारे pets होते हैं जो अपने owners के साथ रहना चाहते हैं. They also stay back. इसलिए हम लोग ने restrict नहीं किया है यहाँ पे किसी को कुछ भी. Play area और दोनों के बीच में open रखा है. So they can come and walk in कभी भी. People sit there, have their things which they wanna have, and pets also have their things which they wanna have. Absolutely. Okay. And what is this? This is an accessory section where we try to whoever is coming to उनको अपने pets के लिए कुछ gift लेना है या छोटी सी चीज toy ले लेना है या फिर छोटा मोटा food लेना है यहाँ पे खेलने के लिए या घर के लिए, then they can buy it from here. Okay, and this is something like new. This is for us, right? No. Okay. I'm sorry to say, but no, this is not for you. Yes, this are the cupcakes, that's the veg, and this is the chicken cupcake, this is the donut, and these are for dogs. किचन को भी ओवरऑल देखेंगे तो बहुत अच्छे से इन्होंने ब्रांडिंग किया हुआ है लाइक शर्ट्स के साथ. सो एंड वेरी गुड एंड हाइजीनिक प्लेस, लाइक पीपल कैन विजिट एंड लाइक एंजॉय हियर. सो हाय एवरीवन, वूफ टीम. तो आपने कंसेप्ट जो बनाया है पूरा डॉग्स का पूरा बनाया है, राइट? जी, क्योंकि वूफ है इसलिए वो कॉन्सेप्ट को ही पकड़ के मैं चला हूँ कि वहीं पे सब डॉग्स के रिलेटेड ही रखा है मैंने. दिस इज वॉशरूम फॉर डॉग्स. दिस इज वॉशरूम फॉर ऑल. देर आर मैनी डॉग्स हु प्रीफर टू गो इन वॉशरूम एंड नॉट टू पी आउटसाइड. सो यस, दे आर ऑल्सो वेलकम हियर. सी, ही इज ऑल्सो सो हैप्पी. वो देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे आए हैं वूफ को एक्सप्लोर करने. सी, दांत निकाल रहे हैं. सो लेट्स एक्सप्लोर, लेट्स ट्राई सम फूड एंड लेट्स सी हाउ कैस्पर हैज हिज फूड एंड लेट्स गो. अरे खाना आ गया, खाना. अरे भाई, ये आपका नहीं है पिज्जा. यस, ये पिज्जा है लेकिन आपका नहीं है, ये तो कैस्पर के लिए है. भूख लग रही है. जी हाँ. लेकिन एक चीज है इसमें जो मैंने डाला है, ये आपको चीज दिखेगा. okay. बाकी सारा इंग्रेडिएंट उसके लिए एकदम सेफ है, लेकिन जो चीज है ना, आई वुड रिकमेंड वंस इन अ वीक. सो दिस इज जंक फूड फॉर डॉग्स. यस, यू कैन कंस. Yes. But not recommendable every day for dogs, right? Yes, pizza is not recommended every day. Once in a week, absolutely fine. चलो खिलाते हैं उसको, भूख लगी. कब से बात कर रहे हो? काम. चलो. That's for you. Take. Give me. Yummy ना, yummy, yummy. मैं भी खा रहा हूँ. So even I can have. Yes, of course, yes, you can have it. It is safe. The only thing is you will not find a taste in it. No salt, no sugar, nothing. No spices. If you are a chicken lover, you can like it anyway. तो गाइज, अगर आपको मेरी लाइक वीडियो देखनी है कि मैं डॉग फूड खा के बताऊँ, तो इंस्टाग्राम पे जाके चेकआउट करो और मुझे फॉलो करो. मैं उसमें रील डालूंगा फॉर श्योर. बट मेरे को कमेंट सेक्शन में 10 कमेंट आने चाहिए कि आप डॉग फूड ट्राई करो. ओके. बंद करो हाथ जोड़ के. मैं सुबह इस कैस्पर को खा के हो गया. अब बारी है हमारी. दिस इज फिशरी बर्गर, दिस इज माफिया, दिस इज वाइल्ड कैट कूलर, एंड ये हमारा चिकन फॉन्डी पिज़्ज़ा विद फॉन्डी सॉस, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है. और हमारे पास मेन्यू है
So this is veg and this may non veg option be available. Only veg option available. Wow. Sauce. This is mayonnaise and this is salsa. Wow. Okay, so my cat is an apple and then you know my cat is a recipe. So, this is nice. Cheers. तो अभी हमने तीन चीज ट्राई की है जो कि है वाइल्ड कैट कूलर माफिया एंड मिस्टर बिग बर्गर जो कि बहुत बड़ा था वो एक खाया तो मुझे लगता है पेट फुल हो जाएगा अभी लास्ट जो कि मैं वेट कर रहा था बहुत टाइम से जो कि चिकन पिज्जा चिकन फोंडू पिज्जा जिसमें आपको वैरायटीज ऑफ पिज्जा मिलते हैं एक ही पिज्जा के अंदर और आई डोंट नो इसमें कौन से कौन से मिक्स किए ये है यहां पे दिस इज केसर पिज्जा केसर पिज्जा ओके ओके दिस इज पिज्जा केसर पिज्जा ओके ये नॉट इन दैट कीमा मैनर ट्रेडिशनल ओके दिस इज टिक्का पिज्जा ये चिकन टिक्का है ये सलामी है ओके ओके एंड ये बाबी बाबी ओके परफेक्ट सो दिस इज नॉट अ डॉग पिज्जा गाइस दिस इज माय पिज्जा सो आई विल ट्राई एंड ये मिली मिली है रिटर्न पर आप आएंगे तो अगर आप आएंगे ना वो टाइम से मुझे लगता है सर ही मेन्यू में डाय देंगे तो इसको ट्राई करते तो बिना ऑलिंग आने से तो पिज्जा का मजा नहीं आएगा तो सम ऑरिगानो एंड सम रेड चिली ब्रावो भाई इट्स योर डे अरे एक काम करो पिज्जा खाने तो प्लेट खा अच्छा मैं कौन सा ट्राई करूं ये होता बाइट दिस इज बारबेक्यू राइट यस चलो मैं ये चिकन फोंडू सॉस लुक्स चीजी वाओ विल ट्राई विद दिस
मुझे लग रही भूख और अभी दो पीसे बाकी है तो मैं वो खाता हूँ और मिलता हूँ आपको एंड में, क्योंकि यहाँ पे ना कैमरा मैन की भूख लग रही है और मेरे से मेरा भाई भी आया। हाय बोलो। हाय बोलो। हाय गाइस। तो इसे लग रही भूख, कब से खा रहे हो तो पता टेस्ट करते हैं, हम सब खाते हैं और आपको मिलते हैं। हाय वेलकम मेरे कैस्टर। तो गाइस बहुत ही मज़ा आया खाना खा के, एंड ये है हमारी जाने से पहले की एक मेमोरी जो कि मैं यहाँ पे स्टिक करूँगा, जो ऑलमोस्ट सारे कस्टमर्स की मेमोरी यहाँ पे आती है और पिन होती है, क्योंकि ये एक वूफ फैमिली है और हमारे साथ है दोनों सर और मैडम। जाने से पहले बस इतने बोलना चाहेंगे कि हमें बहुत ही मज़ा आया कैस्टर के साथ, और आप भी आइए अपने पेट्स के साथ। और सर कुछ वैलेंटाइन डे जो वीक चालू है हम लोग का, उसमें कुछ बताना चाहेंगे सर हम लोग का? ये वैलेंटाइन वीक हम लोग ने ऐसे सोचा है कि ये वीक को हम लोग कुछ अलग तरीके से प्रेजेंट करेंगे। तो कल से लेके अब तक मैं मतलब आई विल कंटिन्यू टिल द एंड ऑफ दिस मंथ। हमने ऐसे सोचा है कि जो भी अपने पेट्स है आपके घर पे या फिर आपका जो भी फरी फ्रेंड है घर पे, उसको लेके आइए और उसके साथ एक वैलेंटाइन डेट रखिए। हम वी विल कॉल इट एज डेट मेट, जहाँ पे प्ले डेट होगी उनके लिए, वो आके खेल सकते हैं। एंड दिस इज़ नॉट ओनली फॉर देम, आप अपने खुद के वैलेंटाइन के साथ यहाँ पे आइए, आप एंजॉय कीजिए यहाँ पे आके, एंड वी एश्योर यू विद द मैक्सिमम लोड ऑफ एंजॉयमेंट जो भी आपको यहाँ पे एक एक्सपीरियंस मिलेगा, अलग एक्सपीरियंस लेके जाओगे। और एक प्लेमेट में आपके फरी फ्रेंड्स के लिए हमारे पास बहुत सरप्राइजिंग गिफ्ट्स है ये वैलेंटाइन वीक के लिए। आप आइए टिल 20th। परफेक्ट, जैसे वीडियो आएगी, वीडियो आने के 28th ऑफ फेब तक आपका ये ऑफर वैलिड है। तो आइए और इस न्यू कॉन्सेप्ट को अपनी फैमिली के साथ एंजॉय किए। जाने से पहले इतना बोलना चाहूंगा, स्टे सेफ, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, खाओ पियो ऐश करो, बाय।